Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स में एक इंस्ट्रक्टर की, तो की, 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 की पोस्ट है इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है क्या तरीका कार होता है इसकी जॉब कैसी है सैलरी कितनी है प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है और सबसे बड़ी बात की इसका जो एक प्रोमोशन में इशू होता है चीफ टेक और असिस्टेंट ऑफिसर इन दोनों में क्या मेन फ़र्क है यहाँ पे ये चीज़ भी देखेंगे कि इसकी सिलेक्शन क्या क्या प्रोसीजर होता है तो उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक नहीं किया वो कर लें फटाफट नेक्स्ट चलते हैं अपना प्रोसेस की तरफ सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस सिलेक्शन में सबसे पहले अखबार में अनाउंस की जाती है आपको ज्वाइन पी एफ डॉट जी ओ वी डॉट पी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको डेट और टाइम मिलता है उस डेट और टाइम पर आप सिलेक्शन सेंटर पर पहुंच जाते हैं आपका रिटर्न टेस्ट होता है टेस्ट दो तरह के होते हैं एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है दूसरा अकेडमिक टेस्ट होता है अब इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट होता है सौ एम सी क्यूज होते हैं चालीस मिनट का टाइम होता है उसके बाद अगर अकेडमिक की बात करें तो अकेडमिक भी आपका 100 नंबर का एम होंगे 40 मिनट इसका टाइम होता है ये रेलिवेंट टू फील्ड सवाल आते हैं फॉर एग्जाम्पल जो इंस्ट्रक्टर मैथ का अप्लाई कर रहे हैं उसके 100 क्वेश्चंस मैथ से रेलिवेंट ही होंगे जो फिजिक्स के बच्चे हैं जो इंस्ट्रक्टर फिजिक्स के लिए हैं उसके फिजिक्स के आएंगे और इंग्लिश वाले का सेम इंग्लिश के पेपर आएंगे और सौ के सौ एम इंग्लिश के ही होंगे रेलिवेंट टू सब्जेक्ट होंगे इसका भी चालीस मिनट टाइम होगा जैसे ही आप पास कर जाएंगे उसके बाद अगला मरला आपका अनिशियल मेडिकल का होता है अनिशियल मेडिकल में आपकी हाइट चेक की जाती है इसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है पाँच फुट चार इंच होता है वो देखा जाता है वेट देखा जाता है एज़ पर बीएमआई स्ट्रक्चर होता है कि जितना हाइट होती है उसी हिसाब से वेट होना चाहिए इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से खुद से मैयर कर लीजिएगा कि हाइट के साथ मेरा वेट कितना सूटेबल है उसके बाद आपकी आई साइड चाहिए आई साइड सिक्स बाई सिक्स चाहिए विद ग्लासेस अब इसमें ग्लासेस चल जाते हैं थोड़ा बहुत आपकी वीक है तो वो चल जाएगी इसके अलावा सेकंड प्रोसेस आपके हाथ नेक घुटने कोनिय शोल्डर ये चीजें चेक की जाती हैं यहाँ पे तीसरी चीज ई इंस्पेक्शन किया जाता है आपका नाक कान गले चेक किए जाते हैं कानों की वैक्स वगैरह देखी जाती है साफ है नहीं है कोई हड्डी तो नहीं टेढ़ी नाक चेक किया जाता है कोई यहाँ पे आपकी ऊपर बोन तो नहीं फ्रैक्चर हुई है ये चीजें सारी चेक की जाती हैं उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है अंडर मेडिकल होता है ये चीजें जब आप इनिशियल मेडिकल कर लेते हैं ये उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपके टेस्ट होंगे फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा छोटा सा एक इनिशियल इंटरव्यू होता है और साथ ही आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा जब ये आप सारे प्रोसेस कर लेंगे फिर आपको फाइनल वेट करना होगा शॉर्ट लिस्टिंग का ये तकरीबन दो एक महीने लग जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग में जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके साइको बेस होते हैं उसमें जो मतलब आपको चेक किया जाता है कि आप फिजिकली ठीक है मेंटली तौर पे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है वो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं इस पे भी इंशाल्लाह मैं डिटेल एक वीडियो बना दूंगा सेकंड आपका फाइनल इंटरव्यू होता है फाइनल इंटरव्यू में ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके अलावा फिर आपका एक फाइनल मेडिकल होता है फाइनल मेडिकल आपका पिशावर बेस पे होता है जब आप ट्रेनिंग के लिए वहां पर चले जाते हैं उस वक्त आपका ये टेस्ट होगा इस टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है आपके तमाम एक्सरे किए जाएंगे बॉडी के उसके बाद ब्लड पिक्चर्स ली जाती है कंप्लीट ए चूट जेड तक ब्लड के टेस्ट होते हैं यूरिन के टेस्ट होते हैं ईएनटी टेस्ट होते हैं अगर इस दौरान ये में आपको कोई सर्जिकल इशू है या मेडिकल इशू है वो ऑपरेशन वगैरह लिखते हैं तो उसके बाद भी छोटी नहीं कि आपको रखा जाएगा अगर फिर भी एरर आ जाता है तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है ये फाइनल मेडिकल था उसके बाद अब अगर हम बात करें इनके प्रमोशन रैंक और सैलरी की तो इनका जो रैंक है अभी देखें कि मैं आपको जॉब एड दिखाता हूं एड में एक चीज लिखी हुई थी उम्मीदवार को दुराने रैंक चीफ टेक जबकि मतलब जो सबसे पहले आप ट्रेनिंग में जब होंगे उस दुरानिये में आपको चीफ टेक की सैलरी दी जाएगी चीफ टेक कॉपर टेक से ऊपर होता है और असिस्टेंट फ्रंट अफसर से नीचे होता है जबकि एक साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद असिस्टेंट व्रंट अफसर अनपेड के रैंक पर फाइज किया जाएगा अब ये आपको आप एक साल ट्रेनिंग में चीफ टैक होंगे उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी आप अपनी ड्यूटी पे आएंगे तो आपको असिस्टेंट फ्रंट अफसर की पोस्ट दी जाएगी लेकिन ये पोस्ट अनपेड होगी आपको असिस्टेंट फ्रंट अफसर की सैलरी नहीं दी जाएगी सैलरी आपको चीफ टैक की ही हो जाए दी जाएगी लेकिन आपका रैंक असिस्टेंट वरान अफसर होगा अब आपको चार पाँच साल गुजरेंगे चीफ टैक से आप, आप असिस्टेंट वरान अफसर से आगे जैसे ही प्रमोट होंगे तो फिर आपकी सैलरी इसकी इक्वल हो जाएगी इसकी इसी तरह जो नेक्स्ट आपका रैंक आएगा फिर आपकी सैलरी एक सीक्वेंस से चल पड़ेगी तो ये है कि डायरेक्ट अपॉइंट करने की वजह से ये पाँच साल चीफ टैक और असिस्टेंट वारंट अफसर के चक्कर में आप चले जाते हैं तो ये एक इसका बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम था बच्चों का इशू आ रहा था उनको नहीं पता था कि ये अनपेड और पेड और दूसरा ये क्या कहानी है तो ये इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है दूसरा अब इसका जो आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है जैसे आप चीफ टेक शुरू में है फिर उसके बाद आपको सैलरी चीफ टेक की मिलेगी होंगे आप असिस्टेंट वफसर चार पांच साल बाद आप असिस्टेंट वफिसर बन जाएंगे पहले ही आप व्रांट अफसर थे लेकिन सैलरी आपकी एक्चुअल इसकी मिलने लग पड़ेगी फिर उसके बाद आपका व्रांट अफसर बनेंगे और चीफ वरान आपके ये प्रमोशन स्ट्रक्चर है इसी तरह आपको जो जॉब बेनिफिट्स हैं जॉब बेनिफिट्स इस एड के अंदर लिखे होते हैं ये देखें यहाँ पे ओवरऑल बेनिफिट्स लिखे हुए हैं के आपको मुफ्त खाना और रिहाइश दिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रिहायश पी एफ बेस की पॉलिसी के तहत दी जाएगी फैमिली और वालदेन का मेडिकल फ्री होगा ग्रुप इंश्योरेंस होगी उसके बाद कोर्सेज इंटरनेशनल अंदरून मलक और बैरून मुल्क कोर्सेज और डेपोटेशन होगी डेपोटेशन होती है जहाँ पे तीन तीन साल के लिए बाहर भेज दिया जाता है लोगों को वहाँ पे ही उनकी सैलरी बाहर के कंट्रीज की दी जाती है ये वो वो डेपोटेशन होती है कोर्सेज़ में शॉर्ट टाइम के लिए भेजा जाता है एक दो महीने के लिए रेल और हवाई जहाज़ के फिफ्टी रियायत होती है क्राइम है, इसी तरह बच्चों के जो तालीम्स होती हैं, इनकी एयरफोर्स की यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस तो हैं, स्कूल है उनमें उनको खसूस कोटा दिया जाता है आपको हाजी की उस हाज की शहादत दी जाती है आपका मतलब कुरानदाजी होती है उसमें अगर आपका नाम लेकर निकल आता है तो आपको भेजा जाता है दूसरा आपको आफ्टर रिटायरमेंट घर दिया जाता है रिहाइश के प्लॉट्स वगैरह की इनकी स्कीमें होती हैं वो शुरू से ही आपकी सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट कटता रहता है पैसे और वो सर्टन टाइम के बाद आपको जब आप रिटायर्ड होते हैं उस वक्त आपको घर या प्लाट दे दिया जाता है आपके अमाउंट के सीक्वेंस के हिसाब से तो ये इसका तरीकाकार था अब इसमें सैलरी सैलरी कितनी होती है तो जो इनिशियल इनकी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी होती है वो तकरीबन 18,000 हज़ार साढ़े अठारह सैलरी दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है चीफ टेक की सैलरी के हिसाब अब अगर सैलरी की बात करें तो चीफ टेक को जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सैलरी दी जाती है वो तकरीबन साढ़े छब्बीस हजार सैलरी इसको पे की जाएगी जैसे ही इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और ये अपॉइंट हो जाएगा फिर भी इसको सैलरी रैंक ये होगा और सैलरी इसको चीफ टेक की ही मिलेगी तो वो तकरीबन एग्रीगेट थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थाउजेंड से इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तो ये सैलरी का एक पूरा चार्ट था आई होप सो आपको इंस्ट्रक्टर से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो मिल चुकी होगी फिर भी किसी का कोई इशू है कोई क्यूरी है वो मुझे बताएं इन उस पर मैं डिटेल और वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी चीजें मजीद समझ आ जाए नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़ अच्छा इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट पॉट है देखे अकेडमिक पे मैं नहीं बना सकता वीडियो उसकी वजह यह है कि हर एक का अपना स्पेशलाइज होगा बाकी इंटेलिजेंस पार्ट जो है इस पे ऑलरेडी दो वीडियोस अवेलेबल है नॉन वर्बल और वर्बल की डिटेल वीडियोस हैं इनशाला मैं उसके भी लैंग्वेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसे आप फाइंड आउट कर लीजिएगा